झारखंड कांग्रेस के चार विधायक दिल्ली दरबार में मत्था टेक कर हुए वापस लौटे। चारों विधायकों की बुलाई गई बैठक, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। बिहार में प्रशासन पर भी दिख रहा बड़ी तेल की कीमतों का असर, महंगा तेल खरीदने में अक्षम है बिहार पुलिस। बीते दिन पेट्रोलिंग के दौरान खत्म हुआ पुलिस की जीप का तेल। दिल्ली से पटना पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सीएम नीतीश पर जमकर बरसे नेता प्रतिपक्ष। बीजेपी में एलजेपी में टूट और विवाद पर जेडीयू को बताया जिम्मेदार। झारखंड सरकार ने ब्लैक फंगस को घोषित किया महामारी, राज्य सरकार को कोरोना की तरह ही रखना होगा ब्लैक फंगस के मरीजों का पूरा हिसाब, रिम्स को बनाया नोडल सेंटर। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कांग्रेस में घमासान, झारखंड कांग्रेस में कांव कांव जा रही है। रांची से लेकर दिल्ली तक पार्टी के नेता दौड़ लगा रहे हैं कि ये दौड़ आलाकमान की नजर में खुद को सही और सामने वाले को गलत साबित करने को लेकर है। झारखंड कांग्रेस अगर दो गुट में बटा हो तो बात समझ में आती है, पर संगठन और उसके नेता कई गुटों में बटे हैं। ये झारखंड कांग्रेस में एक पद, एक व्यक्ति को लेकर अध्यक्ष रामेश्वर उरांव को घेरने की पुरजोर कोशिश हो रही है। रामेश्वर उरांव पिछले सप्ताह दिल्ली का चक्कर लगाकर अपना किला मजबूत कर आए हैं और दिल्ली दौरा कर राजनीतिक पारा बढ़ाने वाले कांग्रेस के चार विधायक इरफान अंसारी, उमाशंकर अकीला, राजेश कच्छप और ममता देवी वापस झारखंड लौट आए। रांची पहुंचने के बाद कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के खिलाफ हमला तेज कर दिया। वहीं दूसरी ओर वापस लौटे चारों पार्टी विधायक आज रांची में होने वाले विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अध्यक्षता में पार्टी विधायकों की बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेंगे। और हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अपनी बात को वहां रखा है कि संगठन हमारा कैसे मजबूत हो, पार्टी हमारा कैसे धारदार हो, कैसे विधायकों को सम्मान मिले, कैसे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, कैसे हमारे निचले तबके के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, इस संबंध में इस कड़ी में हम लोगों ने केसी वेणुगोपाल जी से हम लोग मिलकर एक एक बात को रखा है और हमारा संगठन कैसे मजबूत हो। दूसरी बात, हम लोगों ने कहा कि 20 सूत्री हो, चाहे वो आयोग का गठन हो, चाहे वो जो पद खाली हो, उस पर हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे भरा जाए, इस संबंध में हम लोगों ने विस्तारपूर्वक बात किया। और हम लोगों ने कहा कि कार्यकर्ता जो हैं वही पार्टी की रीढ़ है और हमारा कार्यकर्ता कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। आज हमारा कार्यकर्ता अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, इस संबंध में भी हम लोगों ने बहुत विस्तारपूर्वक बात किया। वेणुगोपाल जी ने बहुत अच्छी से हम लोगों की बातों को सुना और हम लोगों को ये भी कहा है कि आप लोग पार्टी के मजबूत योद्धा हैं, आप लोग आगे बढ़िए, कांग्रेस आलाकमान आपके साथ है। तो झारखंड कांग्रेस में जो अंतर्कलह की तस्वीरें, हमने कल के दिन जब बात की थी रामेश्वर उरांव से तो उनका ये कहना था कि सब कुछ बेहतर चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संगठन को मजबूत हम करने के लिए दिल्ली आए। लेकिन अचानक जब ये बयान सामने आता है अंसारी जी का कि संगठन में जल्द ही अब बदलाव होगा, एक व्यक्ति दो पद आखिर कैसे संभाल सकता है, अगर मैं होता तो एक पद वो छोड़ देता, तो इन तमाम बातों से आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे कांग्रेस के अंदर ही समन्वय नहीं है, एक दूसरे से सहमति नहीं है। तो चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी आज के दिन लाइव में बैठे हैं। राकेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। राकेश जी, दो दिन पहले हमने खुद अंसारी जी से बात की जब, तो उनका यह कहना था कि दिल्ली हम पहुंचे संगठन को मजबूत करने के लिए सर, लेकिन आज के दिन संगठन में बदलाव की बात कहां से आ गई राकेश जी? नहीं देखिए, संगठन में बदलाव की कहीं किसी प्रकार की कोई बात अभी नहीं है और जो भी विधायक दिल्ली पहुंचे हैं स्वाभाविक तौर तो मैं मान लूं कि ये अंसारी जी ने गलत बोला है, वो झूठ बोले, आप सही बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि संगठन प्रभारी से जिन विधायकों ने मुलाकात किया है वहां पे संगठन प्रभारी जी से जो बातें हुई है, जो बातें छन करके हम लोगों तक पहुंची है, वो ये थी कि हम बोर्ड निगम में कैसे जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को तरजीह दें, प्रखंड से लेके पंचायत तक का जो भ्रष्टाचार पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किया गया है वो भ्रष्टाचार को हम कैसे रोकें, इस विषय बिंदु पे संगठन प्रभारी जी से सारे विधायकों की बात हुई है जो समाचार हम लोगों तक आई है। और संगठन में बदलाव की कहीं कोई बात संगठन प्रभारी के साथ किसी की नहीं हुई सर। समाचार के माध्यम से आप तक ये बात नहीं पहुंची जो अंसारी जी ने कहा कि संगठन में बदलाव होगा, कोरोना काल के दौरान जो काम किया गया, नेताओं की तरफ से जो पूरी टीम बनाई गई, कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट किया गया,
कहां पर खामियां, इस पर भी चर्चा की गई। सर ये बातें नहीं आई क्या अब तक? अभी नहीं, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं ना कि कोरोना काल में सिर्फ कांग्रेस और हमारा गठबंधन यही तो सड़कों पे उतर करके जनता के हित के लिए संघर्ष कर रहा था इस त्रासदी में भी। तो हो सकता है कि उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई चूक हुई होगी, लेकिन हम हमारा लक्ष्य जो था वो था कि इस राज्य की जनता का हम जीवन और जीविका दोनों का हम रक्षा कर सके, और इसके लिए हमारा संगठन और हमारा हमारे अध्यक्ष बल्कि हमारे संगठन के प्रभारी आरपीएन सिंह जी लगातार हमारे प्रदेश के संपर्क में थे, हमारे कांग्रेस दल के राकेश जी जिस मुद्दे पर डिबेट है आज हमारा, उस मुद्दे पर सर आप बात ही नहीं कर रहे हैं। सर कांग्रेस ने क्या काम किया, कैसे आप लोगों के बीच पहुंचे, कैसे आपने सेवा की, सर ये हम नहीं पूछ रहे हैं आज के दिन। हम ये पूछ रहे हैं कि चारों विधायकों ने क्या बातें रखी। अगर आपके पास बातें छन कर आई हैं सर तो बताइए अकेला जी ने क्या बात कही है। नहीं देखिए, अब ऐसा है कि जब प्रतिनिधिमंडल जाता है तो अब वहां कोई हमने टेलीस्कोप तो लगा नहीं रखा था कि कौन व्यक्ति कौन क्या बात करता है, वो भी हम डायरेक्ट सुन ले और देख ले। लेकिन जो विधायक हमारे गए थे, जो हमारे संगठन प्रभारी वेणुगोपाल जी से जो मुलाकात हुई, जो इन लोगों ने, राकेश जी मैं बता दे रहा हूँ अकेला जी ने क्या कहा है। टेलीस्कोप हमने भी नहीं लगा रखा है सर, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। विधायक उमा शंकर अकेला ने कहा है कि कांग्रेस की नीति एक व्यक्ति और एक पद की है। अकेला जी की बातें सुनिएगा। जिन पर दो पद है वो स्वेच्छा से छोड़े एक पद, फिर पार्टी उन्हें इस्तीफा देने की बात कहे। एक व्यक्ति एक पद पर रहेगा तो इससे दो विधायक को पद मिल जाता है, इससे संगठन को मजबूती मिलेगी। राकेश जी नहीं, अब ये मुझे नहीं पता कि ये आपके पास अकेला जी का बयान जो है वो अकेला जी ने दिया है या कैसे अकेला जी का बयान आपके पास आया है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मैं जो मुझे जानकारी है उस जानकारी में सारे विधायकों ने बिल्कुल पंचायत और प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर के उन लोगों को वोट निगम में बिसूत्री में जगह देने की बात इन लोगों ने कहा। और जहां तक मुझे यह जानकारी है कि मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं विधायकों को कि उन्होंने वोट निगम की दावेदारी को जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए भी वहां छोड़ा है। उन लोगों ने यह भी कहा है कि हमें वोट निगम की आवश्यकता नहीं, जो कार्यकर्ता है, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है, वोट निगम में उनको समाहित किया जाए, बिसूत्री में उनको समाहित किया जाए। ये बातें संगठन प्रभारी से इन लोगों ने किया है। राकेश जी मुझे पता है कि इस पचड़े में आप नहीं पढ़ना चाहते सर, आप अपना बचाव आप करेंगे, लेकिन रामेश्वर उरांव के खिलाफ अंसारी जी चारों विधायक जिस तरह से हमलावर हैं, ये यही दर्शाता है, यही दिखाता है कि झारखंड में अब कांग्रेस के अंदर सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। खुद को आप बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर राकेश जी की, मैं कुछ भी बोलने से बचूं। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ भी बोलने से बचने की स्थिति में नहीं। मैं पूरी तरह बेबाक रूप से आपके चैनल पर बैठ करके ये बातें कहता हूं। नहीं सर, आप अगर बेबाक रूप से अपनी बातों को रखता हूं। बेबाकी से बोलते ना राकेश जी तो आप खुलकर कहते कि अंसारी जी ने क्या कहा, अकेला जी ने क्या कह दिया, ममता जी ने क्या बोला है, कच्छप जी ने क्या बोला है, आप खुलकर बोलेंगे सर। आपको एक एक खबरें पता रहती है, हर रोज मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ, इतनी रिसर्च के साथ आप आते हैं, और आज के दिन आप कह रहे हैं कि चारों विधायकों ने क्या कहा मुझे पता नहीं है, मैंने टेलीस्कोप में लगा रखा है। मैं ये कहा कि जो प्रतिनिधिमंडल, चार विधायकों का प्रतिनिधिमंडल जो हमारे संगठन प्रभारी आदरणीय वेणुगोपाल जी से मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान उन लोगों ने जो बातें की है वो उस बातों को हमने आपके समक्ष रखा है कि उन लोगों ने बिल्कुल कार्यकर्ताओं के लिए जो है बोर्ड निगम और बिसूत्री की बातें कही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि विधायकों को बोर्ड निगम से दूर रखा जाए। ये इसके लिए मैंने धन्यवाद दिया। मैं तो कह रहा हूं कि बातें हुई है, लेकिन वर्करों के लिए बातें हुई है, और मैं धन्यवाद देना भी देता हूं कि उन लोगों ने बोर्ड निगम से दावेदारी विधायकों ने हटाई है और आम कार्यकर्ताओं के विषय में उन लोगों ने सोचा है, तो ये बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है। अब आपके पास क्या समाचार है सर, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास जो अच्छा, समाचार आई है बेबाकी में जवाब मैं और चाह रहा हूँ। देखिए राकेश जी बहुत बेबाकी से आप जवाब दे रहे हैं आज।
जब आरपीएन सिंह से मुलाकात हुई अंसारी जी की, तब उन्होंने क्या कहा है? हेलो राकेश जी, सुन पा रहे हैं सर? जी 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 बिल्कुल। आरपीएन सिंह से मुलाकात में अंसारी जी ने क्या कहा है रामेश्वर उरांव के लिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि कहीं पर भी प्रदेश अध्यक्ष का कोई भी शिकायत विधायकों ने ना तो हमारे आदरणीय प्रभारी आरपीएन सिंह जी से किया और ना ही संगठन प्रभारी वेणुगोपाल सर। यहाँ पर भी आप बच के निकल गए। प्रभारी से राकेश जी मैं बता रहा हूँ, सुनिए, इसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगा। झारखंड प्रदेश की कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने कहा है कि इससे पहले प्रभारी आरपीएन सिंह से भी बात हुई थी। अंसारी जी ने कहा, उस समय तो आप मंत्री रही, अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई थी। इसके बाद उन्होंने झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम लिए बगैर कहा है कि उन्हें स्वेच्छा से अपने पद से हट जाना चाहिए क्योंकि वो दो पदों पर काबिज हैं, उन्हें आलाकमान क्यों हटाए? समझ रहे हैं आप शब्दों के मायने क्या है? नहीं, देखिए, इस शब्दों में बहुत तरह का ट्विस्ट है और ट्विस्ट पे सर डिबेट नहीं हो सकता। नहीं, ट्विस्ट आप बना रहे हैं राकेश जी, ट्विस्ट आप बना रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि डिबेट को किधर मैं मोड़ दूं, मैं दिखा दूं कि कांग्रेस ने कोरोना काल में काम किया है, वित्त मंत्री जी हमारे लोगों के बीच थे, हमारे विधायक बहुत काम किया, आप यही बताएंगे सर? आप यही गिना रहे हैं आज के दिन? काम किया है सर तो ये तो नहीं, तो मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूँ ना सर कि आपने कोरोना काल में क्यों झंडा गाड़ दिया, कहाँ का आपने झंडा गाड़ा? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कोरोना काल में आपने कितना काम किया है, मैं तो अंतर कलह को लेकर आज के दिन डिबेट किया है सर। टॉपिक मुद्दा बड़ा आसान है, कांग्रेस में घमासान, इस पर ही डिबेट है हमारे। नहीं, कांग्रेस में कहीं कोई घमासान नहीं है, मैं वही बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एकजुट है, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ हम इस राज्य को विकास के पथ पर लेकर के जा रहे हैं। कांग्रेस में कहीं कोई घमासान नहीं है। कांग्रेस के सारे विधायक, सारे मंत्री पूरी तरह संगठित हैं, पूरी तरह कांग्रेस के ऊपर आस्था रखते हैं, पूरी तरह कांग्रेस के झंडों के नीचे अपनी अपना काम कर रहे हैं, तो कहीं कोई घमासान नहीं है कांग्रेस पार्टी में। अच्छा, बचाना किसको चाह रहे हैं आप? सोच रहे हैं अंसारी जी के खिलाफ मैं ना बोलूं, मैं रामेश्वर जी के खिलाफ ना बोलूं, किससे अधिक मतलब कि आप सोच रहे हैं कि ये तकलीफ हो सकती है? सर, ना तो मैं अंसारी जी को बचा रहा हूं और ना ही मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को बचा रहा हूं। नहीं, देखिए राकेश जी, आप जान तो सब कुछ सच्चाई है वो आपके, लेकिन सच छुपाए छुपता नहीं है राकेश जी। हमने तो सोचा था विभागी से आप जवाब देंगे, इसीलिए हमने आपको डिबेट में बैठाया, लेकिन आप विभागी से दे नहीं रहे राकेश जी। नहीं नहीं, अब देखिए, हमारी सच्चाई को आप जो शब्द दे दे, मैं इसीलिए कहा ना कि शब्दों का ट्विस्ट भी होता है। अब मैं पूरी तरह बेबाकी से आपके शब्दों का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये बेबाकी नहीं लगता तो इस पर तो सर मैं कुछ कह भी नहीं सकता, न मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जो सच बातें हैं वो सच बातें हम आपके चैनल पर रख रहे हैं। अच्छा, ये जो बोला था रामेश्वर, माफ करिए, विधायक अंसारी ने कि हम एसी गाड़ी में बैठने वाले नेता नहीं है, हम जमीन पर बैठकर काम करने वाले नेता हैं, जो दो पदों पर हैं वो स्वेच्छा से अगर हट जाए तो बेहतर है, क्या बीजेपी को किसी नेता को बोला है क्या अंसारी जी ने? नहीं, आप देखिए, मैं ये कह रहा हूं ना कि अब अंसारी जी ने कहां बोला, किस पे बोला, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अपने शब्दों की अभिव्यक्ति ही लोकतंत्र है और हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, तो अब उन्होंने किस इशू पे बोला, किस परिस्थिति में बोला, ये मुझे नहीं पता। अगर अंसारी जी दिल्ली पहुंचते हैं तो ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है राकेश जी। दिल्ली में ही अंसारी जी रहते हैं, तुरंत हमारी बातचीत होती है वीआईपी न्यूज के माध्यम से। अंसारी जी फोन लाइन पर आए, उन्होंने कहा है कि सागर जी, हम यहां पर संगठन की मजबूती को लेकर आए, सब कुछ बेहतर चल रहा है। शाम होते होते अंसारी जी का बयान सामने आता है रामेश्वर उरांव को लेकर, मतलब कि एक ही मुंह से दो बयान, वो भी अलग अलग दिशाओं में, तब सवाल तो खड़े होंगे ना राकेश जी। नहीं भाई, तो कहा ना सर कि अब उन्होंने क्या बयान दिया, क्या नहीं दिया, किस परिस्थिति में बोला, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो सच्चाई थी, जो इन लोगों ने, मैं तो फिर बार बार इस बात को रिपीट भी कर रहा हूं कि वेणुगोपाल जी से और आदरणीय प्रभारी आरपीएन सिंह से जो बातें इन लोगों ने हुई है, तो चलिए, अच्छा ठीक है राकेश जी, थोड़ा सा इधर, थोड़ा चलिए, वीआईपी न्यूज के हमारे एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी भी फोन लाइन पर। कुंदन जी, राकेश जी देखिए हैं लाइव में बैठे हुए हैं, शुरुआत से इनका एक ही जवाब है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, संगठन में बेहतर है,
अंसारी जी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, रामेश्वर जी काम कर रहे हैं, हमने कोरोना काल में काम किया, आज के दिन ये सारे बयान है कुंदन जी राकेश जी के। राकेश जी प्रभारी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, तो कांग्रेस के बारे में जब भी जो भी बातें करेंगे तो बातों को लेकर वो कांग्रेस पार्टी के हक की बातें करेंगे, कांग्रेस पार्टी के समर्थक की बातें। लेकिन सबसे पहली बात आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर ओराम 6 दिनों की प्रवास के बाद रांची लौटे, उसके तत्काल बाद इरफान अंसारी अपने विधायकों के साथ, समर्थित विधायकों के साथ पहुंचते हैं। सबसे पहले प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात करते हैं, केसी वेणुगोपाल से बात मुलाकात करते हैं। इन मुलाकातों में एक मामला निकल कर सामने आता है कि प्रदेश में जो 20 सूत्री के हुआ जो समय अवधि था, उस समय अवधि का अभी तक विस्तार नहीं हुआ है, प्रदेश संगठन में तमाम चीजें ठीक नहीं चल रही है, और शायद उसके बाद आरपीएन सिंह ने मुख्यमंत्री से बात की है, मुख्यमंत्री को कांग्रेस के विधायकों से और खासकर के स्थान अंसारी का कद संबंध और हो जाता है जब वो एक कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से आरपीएन सिंह और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करते हैं। इरफान अंसारी सागर एक सामान्य विधायक के तौर पर नहीं कहते, वो कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में थे और उस नाते उनके साथ उमाशंकर अकेला, राजेश कच्छक, ममता देवी, ये तमाम लोग। राजेश कच्छक वही विधायक है जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था हैशटैग रोजगार को लेकर झारखंड युवाओं के साथ उसका समर्थन किया था, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान युवाओं के इस मामले का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री को संज्ञान में लाने की बात की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक भी उनके हक में या हित में नहीं जा रही है, यह पार्टी के अंदर भी मामला उठता रहा है कि एक व्यक्ति दोहरे पद पर हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका नहीं है और मौजूदा महागठबंधन सरकार में मंत्री के पद पर भी आसीन। अब ऐसे में कांग्रेस के संगठन के अंदर से जो बातें चल कर सामने आती है, बिगाड़े कयास ये लग रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, फिर इरफान अंसारी के जो बयान है, इरफान अंसारी की मौजूदगी, ये तमाम चीजें मिलाकर अगर आप एक बड़े बॉक्स में देखेंगे तो स्थिति यह कह रही है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंदर विधायकों के बीच में और सरकार को लेकर जो दूरियां हैं वह दूरियां बनती जा रही हैं, और सबसे अहम बात आपको सारे बता दें, शायद किन्हीं चीजों को देखते हुए आज आनंद फानंद में कांग्रेस विधायक दल की बैठक काफी रूप में आयोजित की जा रही है। अब विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, हमारे संवाददाता इस पूरे विधायक दल की बैठक को कवर कर रहे हैं। लेकिन कहा यह जा सकता है, राकेश जी की बातों से मैं सहमत हूं, क्योंकि राकेश जी बहुत सारी बातें खुलकर ऑन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, अपनी मजबूरियां है। लेकिन एक कह सकते हैं जो स्थिति कांग्रेस के अंदर है वह सब कुछ ठीक नहीं। स्वागत राकेश जी, सुना आपने कुंदन जी को? जी बिल्कुल, कुंदन जी ने कहा कि दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं आपस में, अब आप इसको नजदीकियों में तब्दील कर देंगे मुझे पता है राकेश जी। फिर मैं सर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए कहीं कोई दूरियां संगठन में या सरकार में नहीं बढ़ रही, बस मैं जान ही रहा था। विधायक बिल्कुल पूरी तरह महागठबंधन के साथ एकजुट हैं और हम इस राज्य को विकास की धारा पे लेकर के जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, क्योंकि हमने जो चुनावों में घोषणा की थी उन घोषणाओं को अंजाम तक पहुंचाना ये हमारा मकसद है, और हम इस मकसद के साथ पूरी मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार नहीं, देखिए राकेश जी एक सीधा सा सवाल मेरा, राकेश जी राजस्थान की तस्वीरें आप देख रहे हैं सर, छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, इधर झारखंड आप देख रहे हैं, कर्नाटक भी आपने देखा, कई ऐसे राज्य हैं पिछले कुछ सालों की तस्वीरें देखकर आप ये कह सकते हैं खुलकर कि हाँ पिछले कुछ साल कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं चले हैं, कुछ नेता हैं जो बागी तेवर अपनाए वो चले गए जिसके कारण छवि खराब हुई और ये तस्वीरें देखी जा रही हैं, इस बात से सहमत हैं कि नहीं राकेश जी? नहीं सर, देखिए मुझे यह लगता है कि जो लोग गए हैं, आप जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, आप जतिन प्रसाद जी की बात कर लें, तो पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, उसके बावजूद अगर एक ब्राह्मण चेहरा लेकर के भारतीय जनता पार्टी अगर उनको अपने खेमे में लेकर के आई है, तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सेहत पे जतिन प्रसाद जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जतिन प्रसाद जी की स्थिति उत्तर प्रदेश में सबको भली भांति परिचित है, वो खुद 3 बार चुनाव हारे हुए हैं, वो अपनी भाभी को पंचायत का चुनाव नहीं जीता पाए हैं,
तो अब सिर्फ एक चेहरा को प्रोजेक्ट करने के लिए अगर आप ये कहें कि कांग्रेस को हम तोड़ रहे हैं तो हमें लगता है कि ये उचित नहीं होगा। और जतिन प्रसाद जी जैसे नेताओं का जाने से कांग्रेस पार्टी को कहीं कोई क्षति नहीं होने जा रही। क्या करेंगे राकेश जी, ये सियासत है, जब एक नेता पार्टी छोड़कर चला जाता है तो यही कहती है पार्टी कि वैसे भी उनके रहने से हमें कुछ फायदा नहीं था। कुंदन जी, जो हम कांग्रेस के हालात की बात कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, आप भली भांति देख रहे हैं उन राज्यों को भी जहां पर कांग्रेस में घमासान छिड़ा हुआ है, तालमेल की पूरी कमी दिखाई दे रही है। और इसीलिए शायद मध्य प्रदेश की भी तस्वीर हमने देखी थी और हमने कहा भी था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी तो सत्ता वहीं डूबी जहां पर तालमेल कम था। कुंदन जी देखिए सागर, आपने जिन राज्यों के नाम लिए आपने उसमें एक महत्वपूर्ण राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों का नाम लिया। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि इन राज्यों में एक राज्य को जोड़ लीजिए, पंजाब। पंजाब का विवाद भी अभी अपने चरम पर है और कल स्थिति यह है कि अमरिंदर सिंह कल जब वापस लौटे हैं चंडीगढ़, उसके बाद राहुल गांधी ने प्रदेश के विधायकों और नेताओं से पूछा है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अगले चुनाव में चेहरा नहीं हो सकते हैं तो हम उनकी जगह किसको अपना उम्मीदवार या अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के लिए काफी मुखर रहे हैं और काफी कह सकते हैं उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, उनका अपना एक कैडर वोटर्स रहे हैं, इसमें स्थिति यह रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू के भाजपा में भी शामिल होने की चर्चा होती रही है। तो इन तमाम चीजों को मिलाकर देखें तो कांग्रेस अभी अपने फर्श वाली स्थिति में है। अर्थ पर जो पार्टी रहा करती थी वो आज की तारीख में फर्श पर है और तमाम राज्यों में अंतर कलह, अंतर विरोध की वजह से इस पार्टी को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें तो झारखंड की स्थिति जो है उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी 5 कार्यकारी अध्यक्ष हैं उसके अलावा एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन तमाम लोगों को मिला लें और बाकी जो विधायक हैं कांग्रेस के, इन विधायकों के साथ कहीं ना कहीं आपस में एक बोर्ड निगम की बात कर रहे थे राकेश जी कि बोर्ड निगम में कार्यकर्ताओं को आगे आने का मौका दिया गया है। अभी बोर्ड निगम के गठन की बात ही नहीं हुई है, मुख्यमंत्री ने अभी इस संबंध में अपनी कोई भी बैठक को अंजाम नहीं दिया है, सरकार गठन के 1.5 साल हो चुके हैं। देखिए एक्सक्यूजर सागर किसी भी काम को ना करने के लाखों हो सकते हैं लेकिन अगर काम करने के तरीके को आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो करोड़ों तरीके मिल जाएंगे जिन तरीकों से। लेकिन कुंदन जी एक बड़ा अहम सवाल है, एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा। 2024 चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, थर्ड फ्रंट की कवायद, शरद पवार, प्रशांत किशोर की जो बातें सामने आ रही हैं, ममता बनर्जी भी लगी हैं, तो ऐसे में ये जो सिमटता हुआ कांग्रेस का आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है, बीजेपी का भी ग्राफ कोरोना काल के दौरान डाउन हुआ, नाराजगी देखी जा रही है लोगों के प्रति, तो कांग्रेस बीजेपी दोनों क्या इस समय मजदार में है? क्या कोई तीसरी पार्टी निकलकर यहां पर मोर्चा संभाल सकती है जो उभर सकती है, या फिर इन्हीं पार्टियों में टक्कर देखी जा सकती है इन सबके बावजूद भी? देखिए सागर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में देश की केंद्रीय राजनीति की अगर बात करें तो दो प्रमुख पार्टियों के इर्द गिर्द यह राजनीति घूम रही है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ जहां केंद्र की सत्ता में मौजूद है, वहीं अधिकतम राज्यों में एनडीए शासन में है। अगर हम दूसरी तरफ महागठबंधन की बात कर लें या कांग्रेस मीत यूपीए की बात कर लें, क्योंकि झारखंड में इसे महागठबंधन की संज्ञा दी गई है और देश के स्तर पर इसे यूपीए की संज्ञा दी गई है, तो यूपीए वर्सेस एनडीए तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं यशवंत सिन्हा जो कि टीएमसी में तृणमूल कांग्रेस में जुड़ चुके हैं और जो अभी बैठक हुई है तीसरे मोर्चे के लिए, उस तीसरे मोर्चे की उस बैठक की अगुवाई भी उन्होंने किया है। और अब तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरीके से बंगाल में अपने प्रदर्शन को दोहराया है या कह सकते हैं पिछले चुनावों से बेहतर प्रदर्शन किए हैं, तो अब टीएमसी में एक बात यह भी उठ रही है कि ममता बनर्जी एक ऐसी जुझारू महिला है जो देश की राजनीति में आएंगी तो उनके इर्द गिर्द बाकी दलों का समर्थन हो सकता है। तो अभी तीसरे मोर्चे का वह औचित्य नहीं है या वह शक्ति नहीं है जिस शक्ति के आधार पर वह देश की राजनीति या देश की सत्ता पर काबिज होने की बात कर सके। लेकिन अगर हम बात कर लें भाजपा और कांग्रेस की तो यही दो प्रमुख पार्टियां हैं आज की तारीख में, लेकिन कांग्रेस के साथ स्थिति अभी यही है
कि सोनिया गांधी अभी अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से राजनीति में उतनी कह सकते हैं इफेक्टिव या उतनी इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रही हैं। राहुल गांधी गाहे बेगाहे ट्विटर से राजनीति करते रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ जो एक पूरा अटैकिंग मोड में जो होना चाहिए था कांग्रेस को, वह अटैकिंग मोड अख्तियार नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के कुछ चुनिंदा शीर्ष नेतृत्व जाकर मुलाकात करते हैं, कांग्रेस से अपनी नाराजगी को जताते हैं। तो अभी कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने ही मोह पास में या माया जाल में फंसी हुई है। केंद्रीय नेतृत्व की बात कर ले या झारखंड की राजनीति की बात कर ले, दोनों जगहों पर कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा डायलमा है। आज की डेट में जिस पार्टी के पास केंद्रीय अध्यक्ष ही कह सकते हैं सब्सिडियरी भूमिका में है, सब्सिडियरी रोल निभा रहा है, सोनिया गांधी केंद्रीय अध्यक्ष की भूमिका में है। सोनिया गांधी आप देख लें कि पूरे कोरोना काल में या उसके पहले भी पिछले दो साल तीन साल की बात अवधि की बात कर लें तो सोनिया गांधी कितना इफेक्टिव या कितना एक्टिव रही हैं राजनीति के अंदर, वो गाहे बेगाहे कभी ना कभी। कुंदन जी वक्त थोड़ा कम है, राकेश जी से आखिरी कमेंट ले लेता हूँ। राकेश जी जिस माया जाल की बात कर रहे हैं कुंदन जी, वो आप भी भली बात ही समझ रहे हैं सर, अन्य राज्यों का हाल देखकर आप भी यही कहेंगे कि लोकसभा चुनाव में हम ही जीतेंगे, लेकिन आप ये मानिए फिर भी हम आपसे पूछेंगे कि इसका प्रभाव पड़ सकता है 2024 के चुनाव पर अगर कांग्रेस के हालात नहीं सुधरे तो। राकेश जी आखिरी कमेंट कम शब्दों में। नहीं देखिए, कांग्रेस के हालात बिल्कुल सुधर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश की जनता को मारने का काम किया, बेमौत मारने का काम किया, तो स्वाभाविक तौर पे देश की जनता अब महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के जिस तरह दामों में इजाफा करने वाली यह सरकार है, हम देखें कि बिल्कुल अभी इस देश की सत्ता में बैठे ये अहंकारी शासक को अगर किसी ने फ्रंट पे फुट पे अगर घेरने का काम किया है तो वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी हैं। तो स्वाभाविक तौर पे हम अहंकार से लड़ रहे हैं और अहंकार से लड़ने में थोड़ा जो अहंकारी होता है उससे एक सच्चा व्यक्ति को लड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन रिजल्ट जो है हमारे पक्ष में। चलिए बिल्कुल राकेश जी, ऐसे ही लड़िए तभी तो जीतेंगे 2024 का चुनाव, और जिस समन्वय की हम बात कर रहे हैं वो तालमेल भी बरकरार रहे तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी, राकेश जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के दिन कांग्रेस में घमासान झारखंड का जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन झारखंड का ही जिक्र होते होते उन तमाम राज्यों के भी नाम जुड़ जाते हैं जिन राज्यों में आप देख रहे हैं कांग्रेस की स्थितियां बेहतर नहीं चल रही हैं। उन राज्यों को भी अगर जोड़कर देखा जाए तो अगर ऐसे हालात रहे तो जिस एकजुटता को बनाने की कोशिश में कांग्रेस लगी है लोकसभा चुनाव तक, वो बिखर सकते हैं ताश के पत्तों की तरह। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।